जिले की छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार देर रात को पुलिस नाकाबंदी के दौरान तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में तस्करों के आने की सूचना पुलिस की स्पेशल टीम ने छोटी सादड़ी थाना पुलिस को दी थी। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि छोटी सादड़ी एसएचओ दीपक की टीम ने कारुंडा रोड पर रुद्राक्ष होटल के आसपास तस्करों से आमना सामना हुआ। तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायर किया। जब तस्करों को रुकवाने की कोशिश की तो भागने की कोशिश वो करने लगे। भागते वक्त ही पुलिस के ऊपर फायर किया गया। एसएचओ ने अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में फायर किया तो तस्करों के पैरों पर गोलियां लगी। तस्करों को गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने 3 स्कॉर्पियो, 1283 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा, 20 किलोग्राम अफीम, 2 पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस की ओर से मादक पदार्थ की कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस की 2 कार्रवाई में से 1 कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो में सवार तस्करों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तस्कर ने पुलिस पर करीब 10 से ज्यादा राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी तस्करों पर फायर किए, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 2 तस्कर के पैरों में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गाड़ी के अंदर 2 ऐसे कारतूस मिले हैं जो उपयोग हो चुके थे। मौके की कार्रवाई अभी होनी बाकी है। मौके पर जंगल में कितने कारतूस मिले हैं वह अभी अनुसंधान का विषय रहेगा। यह तस्कर बिल्कुल दुर्दांत प्रवृत्ति के अपराधी हैं। इसमें एक तस्कर रमेश लूणी थाना का निवासी है, दूसरा गिरधारी जो बायतू थाना बाड़मेर का निवासी है। गिरधारी के खिलाफ शेरगढ़ थाने में स्कॉर्पियो चोरी का मामला दर्ज है। इस गैंग के सदस्य न केवल मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं बल्कि चोरी के वाहन भी इस्तेमाल भी उसमें करते हैं। वहीं दूसरे आरोपी रमेश पुत्र पोकर राम बिश्नोई निवासी फिंच पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी रमेश कुख्यात आरोपी है, जो पूर्व में भी फरवरी 2021 में जोधपुर के लूणी थाने की नाकाबंदी के दौरान फायरिंग कर चुका है, जिसमें पुलिस का एक जवान हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके साथ ही आरोपी रमेश के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद NDPS एक्ट के प्रकरण में NCP की टीम को भी इसकी तलाश थी। प्रतापगढ़ SP अमित कुमार के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले पर पुलिस पर फायरिंग का पिछले 1 महीने में दूसरा मामला है। को छोटी सादड़ी SHO दीपक की टीम जो है वो करुंदा जो रोड है उस रुद्राक्ष होटल के आसपास उस टाइम पे तस्करों से आमना सामना हुआ। तस्करों ने पुलिस की टीम पे फायर किया। जब उनको रुकवाने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश की, भागते वक्त ही पुलिस के ऊपर फायर किया। बेमुश्किल ही SHO ने जो है उसके बाद में अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो तस्करों को पैरों पे गोलियां लगी। उसके बाद तुरंत उनको उपचार के लिए रवाना किया गया। उस वक्त मौके से 2 स्कॉर्पियो जो है जब्त हुई। उसी वक्त एक दूसरी टीम थी उसको भी एक स्कॉर्पियो में इसी तरह के अवैध मादक पदार्थ, जिसमें 2 लोग लगभग मौका छोड़ के भाग गए। जब आगे का अनुसंधान होगा तब पता चलेगा कि भागने वालों की संख्या एग्जैक्टली कितनी थी। जब दीपक की टीम का तस्करों से सामना हुआ तो लगातार गाड़ी से भी फायर करते रहे, उसके बाद भागते वक्त भी फायर करते रहे। गाड़ी के अंदर 2 ऐसे कारतूस जो यूज़ हो चुके थे वो मिले। मौके की कार्रवाई अभी होनी, मौके पे कारतूस जंगल में कितने थे वो अभी अनुसंधान का विषय रहेगा। पुलिस की तरफ से जो है 4 फायर किए गए। ये जो अपराधी हैं ये बिल्कुल दुर्दांत प्रवृत्ति के अपराधी हैं। जो मौके के मुलजिम थे उसमें एक रमेश है जो लूणी थाना का निवासी है, दूसरा जो है वो गिरधारी करके जाट है जो बायतू थाना बाड़मेर का निवासी है। गिरधारी का जब आपराधिक प्रकरणों की जानकारी ली गई तो उसके खिलाफ शेरगढ़ थाने में स्कॉर्पियो चोरी का मामला दर्ज है। उससे ये पता चलता है कि किस तरह ये अपराधी अपने जिले से बाहर निकल के जोधपुर में जो है स्कॉर्पियो चोरी करता है। रात को भी स्कॉर्पियो के अंदर ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। इस रूप में इस गैंग के सदस्य न केवल मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं बल्कि चोरी के वाहन इस्तेमाल भी उसमें करते हैं। रमेश का जब आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो रमेश ने 2021 में जोधपुर के अंदर लूणी थाना के अंदर ही पुलिस की इसी तरह एक नाकाबंदी में पुलिस की टीम पे हमला किया था, जिसमें हमारे जवान के पैर पे गोली लगी और जवान बुरी तरह घायल हुआ। गोली उसके बिल्कुल पैर में आर पार हुई। इस गैंग की प्रवृत्ति है मादक पदार्थों की तस्करी, चोरियों की गाड़ियों का इस्तेमाल करना, पुलिस की टीम पे बार बार हमला करना। रात को जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें NDPS की संगीन धाराओं के साथ साथ 307,
353 और आम सेट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनके जैसे ही मुलजिमों को उपचार के बाद ये खतरे से बाहर आते हैं तो उसके बाद में इनसे अनुसंधान किया जाएगा, इनकी बाकी अन्य साथियों की पहचान की जाएगी। इनका जो पूरा नेटवर्क यहाँ पे चलता है जिसमें इनको हथियारों की सप्लाई कौन करता है, इनको पैसे की सप्लाई कौन करता है, इनको मादक पदार्थ कौन देता है, कहाँ से गाड़ियाँ चोरी करते हैं या कोई अन्य समूह है जो इनको गाड़ियों की सप्लाई करता है, वो उसकी पहचान की जाएगी। साथ ही ये मुलजिम जिन अन्य मामलों में, जिन अन्य एजेंसियों में ये वांछित हैं, जैसे गिरधारी जो है वो शेरगढ़ मामले में वांछित चल रहा है, रमेश